37th एग्जाम्पल के अंदर लार्ज सर्कुलर क्वाइल, लार्ज सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड स्मॉल सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस स्मॉल आर आर पुट इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर, एक के अंदर एक पड़े हुए हैं, एक बड़ा क्वाइल और एक छोटा क्वाइल। आगे अगर कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस पेयर इक्वल टू 1 mH, तो कैपिटल एम दोनों क्वाइल्स का गिवन है, मतलब हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल एम उसने दे ही दिया हमें। तो वो पूछ रहा है कि फ्लक्स लिंक्ड विद द लार्जर क्वाइल क्या होगा अगर करंट स्मॉलर क्वाइल में इतना होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता, कम से कम ये तो समझ में आता है कि मेरे को कैपिटल एम गिवन है, मेरे को आई पता है और मुझे फ्लक्स पूछ रहा है। फॉर्मूला ये क्या है, फाइ इज इक्वल टू एम इनटू आई, तो एम पता है आई पता है, मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ सकती है, फ्लक्स की, आंसर आ गया डन। ठीक है यहाँ तक, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम इंटू जिस क्वाइल का करंट है आई ले लें, क्योंकि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई था आज मैंने बताया था, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई से आंसर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज दी म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब क्या निकालना है, कैपिटल एम ऑफ पेयर ऑफ क्वाइल्स, दो क्वाइल्स हैं फिर से, इफ अ करंट चेंज ऑफ 6 A इन वन क्वाइल causes the flux in the second coil of 2000 turn to change by 12×10⁻⁴ weber per turn। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको उसने फ्लक्स जो दिया वो वेबर पर टर्न है और नंबर ऑफ टर्न है कितने इसमें 2000, तो आप वेबर पर टर्न में कभी काम करते नहीं, आप 2000 से पहले मल्टीप्लाई करें तो टोटल फ्लक्स निकाल लें, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई, 2000 से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वो टोटल फ्लक्स दे रहा है, करंट दे रहा है और कैपिटल एम की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला एक ही है, फाइ इज इक्वल टू एम आई, तो एम इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स पर आए, पर ये ध्यान रहे ये टोटल फ्लक्स पर टर्न नहीं होता, ये इसमें हमेशा फाइ का मतलब टोटल फ्लक्स होता है, तो टोटल फ्लक्स को आई से डिवाइड करेंगे तो एम की वैल्यू आई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ईएमएफ ऑफ 0.5 volt इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब जिसमें करंट हमने नहीं भेजा वो सेकेंडरी है, उसमें इतनी ईएमएफ पैदा हो गई जब करंट मैंने चेंज किया 5 से 2, 5 से 2 का मतलब डीआई का मतलब क्या, 2 - 5 यानी कि -3 इन टाइम, आपको पता है कैपिटल एम निकालो, एक ही फॉर्मूला है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला कैपिटल एम के साथ कैसे रिलेटेड है, ई इज इक्वल टू -m dI/dt, इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है, कैपिटल एम की वैल्यू आपको निकालनी है, DI आपको पता है चेंज ऑफ करंट और टाइम आपको पता है, सॉल्व करके कैपिटल एम कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो यहां से कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन में इफ द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ अ पेयर ऑफ क्वाइल चेंजेस फ्रॉम 5 to 1 A इन 0.02 सेकेंड, DI आपको पता है 5 A to 1 A का मतलब 1 - 5, DI आ गया, फाइनल में से इनिशियल करंट को माइनस कर दो, DI आ गया, कितने समय में, इतने समय में, कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल एम है, कैपिटल एम पता है, DI पता है, DT पता है, तो लगाओ फॉर्मूला E इक्वल टू -m dI/dt, एम पता है फाइनल माइन में से इनिशियल करंट माइनस करके टाइम से डिवाइड करके ईएमएफ की वैल्यू आ गई, आंसर क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न, इंपॉर्टेंट है, उसने टोटल फ्लक्स नहीं बोला, उसने फ्लक्स पर टर्न पूछा, किसमें, सेकेंडरी में, अगर उसके 200 टर्न्स हैं, देखो इसने क्वेश्चन किसी और तरीके से कर दिया, इसने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिया, मैं ऐसे नहीं करता, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करना पसंद करता हूं कि जो फाइ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम इंटू आई, ठीक है, तो 5 mA, अब करंट की वैल्यू पहले कितनी थी, 5 A, तो इनिशियल फ्लक्स क्या आएगा, कैपिटल एम इंटू 5 A, और फाइनल फ्लक्स क्या आएगा इसमें, कैपिटल एम इंटू कितना, 1 A, और जब मैं 5 mA यूज करता हूं, 5 का मतलब टोटल फ्लक्स है, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स क्या आएगा, फाइनल फ्लक्स में से इनिशियल फ्लक्स को क्या कर दे, माइनस, कैपिटल एम क्वेश्चन में गिवन है, टोटल चेंज इन फ्लक्स आ गया, आपको क्या पूछा, फ्लक्स पर टर्न, तो एक काम करते हैं, जो भी ये चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आएगी इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न 200 से डिवाइड कर लें, तो कैपिटल एम इंटू 1 माइनस कैपिटल एम इंटू कितना, 5 डिवाइडेड बाई 200, सॉल्व कर लें,
फ्लक्स पर टर्न आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, फ्लक्स नेगेटिव को क्या ही लेंगे, पॉजिटिव है, तो ऐसे भी आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? बाकी आपकी मर्जी है, आप E इज इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाई डी टी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं ये यूज़ कर लें, अगर आप नहीं चाहते कोई बात नहीं, आप ये यूज़ कर लें, E इज माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू एन। डी फाई का मतलब एक टर्न का फ्लक्स है, वो क्यों? क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स आता है। तो डी फाई बाई डी टी में डी फाई एक टर्न का फ्लक्स है, तो यहाँ से E पता है, डी टी पता है, एन पता है, डी फाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें आंसर। ये भी सही है, चाहे वो कर लें चाहे ये कर लें, बात तो एक ही है। और नेगेटिव है, नेगेटिव लगा लें, चाहे वैसे अगर ऑब्जेक्टिव में देख लेना, नेगेटिव फ्लक्स भी होता है पॉजिटिव भी होता है ऐसे तो, पर चलो ऑब्जेक्टिव में डिपेंड करेगा, आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर अ सॉलिनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस एंड हैविंग 500 टर्न्स, एक सॉलिनॉइड है जिसके अंदर 50 सेंटीमीटर लेंथ है ना, एल पता है और रेडियस भी पता है, टर्न्स भी पता है, इज वाउंड अनदर वायर ऑफ 50 टर्न नियर द सेंटर, तो इसके सेंटर पे एक और सॉलिनॉइड ले लिया, सॉलिनॉइड के अंदर एक सॉलिनॉइड ले लिया। कैलकुलेट कैपिटल एम ऑफ द टू कॉइल्स, इसमें करना क्या है, जब दो सॉलिनॉइड लेते हैं तो कैपिटल एम का फॉर्मूला आज हमने डेरिवेशन में कर लिया, क्या की थी डेरिवेशन, ये तो थी डेरिवेशन, म्यू नॉट एन वन एन टू एरिया बाई एल, म्यू नॉट पता है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 500 भी पता है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें 50 टर्न्स एन टू भी पता है, और फिर हमें रेडियस भी पता है और लेंथ भी पता है। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है कि एरिया कौन सा लेना है, ये अच्छी बात है, एरिया एक ही गिवन है, दो है ही नहीं, तो जो गिवन है वो ले लो, इसका मतलब वो छोटा एरिया ही देता होगा तो छोटा एरिया ले लो, पर अगर प्रॉब्लम तब है जब दो एरिया गिवन होते हैं तो दो एरिया में छोटा एरिया ले लो, और अगर एक ही एरिया है तो एक ही एरिया ले लो, बात खत्म। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, कैपिटल एम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करने हैं? फिर सेकेंड पार्ट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो सेकेंडरी कॉइल में, अगर डीआई पता है 0 से 5 एम्पियर इन टाइम भी पता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एम डीआई बाई डीटी, कैपिटल एम ऊपर से पुट कर दें, डीआई की वैल्यू क्या है 5 माइनस 0 और टाइम की वैल्यू है 0.02, ये लो, यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई आंसर। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इस फॉर्म है तो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पर फॉर्मूले में क्या वैल्यू कब पुट करनी है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक सोलेनॉइड है, हैज़ 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ध्यान से, उसने अब कैपिटल एन नहीं दिया, उसने स्मॉल एन दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और पर सेंटीमीटर है, इसको पर मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एन वन आ गया। अब वो कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसने दे दिया आपको, एंड 200 टर्न्स ऑफ अनदर वायर, अब ध्यान से, पहले वाले क्वाइल का दिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दूसरे क्वाइल के दिए सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स, पहले क्वाइल का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और दूसरे क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि एन टू। क्या क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन के मेरे पास फॉर्मूले तो दो ही हैं, या तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूँ या मैं ये यूज कर लूँ, एक ही बात है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, चलो ये यूज कर लेते हैं, तो अगर मैं ये यूज करता हूँ तो मुझे n1 तो सीधा गिवन है, n1 की वैल्यू तो मुझे पता ही है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है मेरे पास, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर पर मीटर, ओके। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है और दूसरे टर्न के n2 पता है, n2 कितना गिवन है, 200 टर्न्स गिवन है, कहाँ पे 200 टर्न्स है, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, n2 तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड 200 पता है, मैं पुट कर देता हूं, एन वन निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को एल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इज नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे एल से, एल क्या हो जाएगा, कैंसल, तो देखो एन वन गिवन है, 200 गिवन है, एरिया गिवन है, एम आ जाएगा। या उल्टा भी कर सकते हो, जैसे इसने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, कोई बात नहीं, वो कह रहा है कि देखो n1 तो मुझे पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n1 तो पता है, n2 पता है मुझे, पर n2 कैपिटल n2 पता है 200 टर्न्स है, पर ये स्मॉल n2 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एक काम करो n2 को l से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आ गई स्ट्रेट फॉरवर्ड 200, एक ही बात है।
तो कैपिटल एम का फॉर्मूला कैसे यूज करने बात समझ में आ रही है? तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसको एल से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टर्न्स बना लो, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है यहाँ तक? तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर, सोलेनोइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विद 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो क्या गिवन है? इसकी लेंथ पता है, 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना क्या गिवन है? स्मॉल n1 गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए गिवन है, a1 गिवन है रादर, कंप्लीटली सराउंड अनदर सोलेनोइड ऑफ सेम लेंथ, चलो l तो सेम है, एरिया a2, एरिया चेंज कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n2 पता है, m निकालो। तो स्मॉल n1 स्मॉल n2 की टर्म में आपके पास कैपिटल m का फॉर्मूला है, तो वैल्यू पुट कर लेना, लेकिन एरिया कौन सा पुट करोगे? 40 के 25, 40 के 25, 25 जो छोटा एरिया वो पुट करना है, बड़ा नहीं पुट करना, मैंने बताया था। तो देखो इसने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, पर मेरे हिसाब से यही यूज कर लो डायरेक्टली तो ज़्यादा बेटर है, ये सही है। n1 पता है, n2 पता है, एरिया पता है और l पता है, सीधा आंसर आएगा, क्लियर है? और साफ रूल लिख दिया, बड़ी लेट लिखा, टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल M वी टेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलिनॉइड, इनर का मतलब जो अंदर है, अंदर का मतलब छोटा, तो ये रूल लिखा हुआ है इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये कैसे यूज करना है इसे? इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, क्वेश्चन है एक टोरॉइडल सोलिनॉइड है, अब टोरॉइड का मतलब एक सर्कुलर सोलिनॉइड है विद एयर कोर, हैव एवरेज रेडियस ऑफ गिवन, ठीक है, एवरेज रेडियस गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, ऑब्टेन सेल्फ इंडक्शन ऑफ टोरॉइड, मुझे नहीं पता ये क्या करता जा रहा है, डेरिवेशन कर रहा है, जरूरत क्या है? हमने सेल्फ इंडक्शन का ये फॉर्मूला ऑलरेडी किया हुआ है, सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, एक ही फॉर्मूला तो आता है, म्यू नॉट पता है, एन पता है, एरिया पता है, तो लेंथ ऑफ टोरॉइड क्या होता है? 2 पाई आर, क्योंकि गोल होता है ना, तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई आर। तो चेक करो जो मैंने फॉर्मूला यूज किया और जो इसने निकाला वो एग्जैक्टली सेम है। अब तुम एन पुट कर लेना, एरिया पुट कर लेना, आर पुट कर लेना आंसर, तो डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे सोलेनोइड है चाहे टोरॉइड है, कैपिटल एल का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, समझ में आ रहा है यहां तक? अब जैसे इसी के अंदर वो कह रहे हैं एक और सेकंड कॉइल ले लिया, इस जो टोरॉइड है इसके ऊपर एक और 300 टर्न्स का एक कॉइल लिया और टोरॉइड के ऊपर चढ़ा दिया, अब टोरॉइड के ऊपर टोरॉइड चढ़ गया और करंट जो है वो कहां से कहां जा रहा है? 0 से 2 एम्पियर, करंट को चेंज कर दिया, तो म्यूचुअल तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू बोलो क्या होगी? अब ईएमएफ इंड्यूस की जो वैल्यू है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? MdI/dt, यही होता है। अब एम तो हमें पता नहीं, तो एम के लिए दो सोलेनोइड्स या टोरॉइड्स का फॉर्मूला पुट करो यहां पर, म्यू नॉट n1 n2 एरिया बाय एल, तो ये पुट करो कैपिटल एम, डीआई क्वेश्चन में पता है, डीटी क्वेश्चन में पता है, कैपिटल एम नहीं पता, तो इसका भी कैपिटल एम आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, तब ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आएगी। वैसे माइनस लगाना है माइनस भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आधों में माइनस लगाता है आधों में नहीं लगाता, पर आप लगाओ, मैंने बोला था आप लगाते जाओ, कोई डाउट समझ में आ रहा है कि कैसे? थोड़ा सा सेल्फ इंडक्शन से अलग टॉपिक है ये, समान ज़्यादा है ना, L1 L2 DI M D5 बहुत कुछ है इसमें, एक बार ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, वो तरीका बताऊंगा पढ़ने का, क्या तरीका है रुको, ठीक है, एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको मैं, ठीक। ये देखो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं एनसीईआरटी पहले करूंगा, मेंस बाद में करूंगा, कर लो एनसीईआरटी, पढ़ तो लो, क्वेश्चन कैसा है, शक्ल तो देखो कैसी बना के दे रहा है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फिगर शोज अ शॉर्ट सोलेनोइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये छोटा सोलेनोइड है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर है गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, ये कहाँ पर लाई करता है? इनसाइड एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड जिसकी लंबाई गिवन है
नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, मतलब L1 पता है, L2 पता है, N1 पता है, N2 पता है, रेडियस पता है, करंट भी पता है, क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें मैंने क्या किया, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द लॉन्ग सोलेनोइड इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू शॉर्ट सोलेनोइड। वो कह रहा है कि इस केस में मेरे को क्या, किस कॉइल में करंट एंटर करने को बोल रहा है, शॉर्ट में। इसमें करंट अगर मैंने 3 एम्पियर पास कर दिया तो बताओ इसके अंदर इसका फ्लक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस क्वेश्चन को देखना है, मतलब इसी के अंदर जब म्यूचुअल इंडक्शन किया था ना, अभी एक टॉपिक है उसमें एक क्वेश्चन था ये वाला, आपकी शीट में ही है, पहले ये देखते हैं फिर वो बताता हूँ इसमें क्या हुआ। आप सोचेंगे ये को लेके आया हूँ, मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा भी गिवन है कि आपके सामने ना एक स्क्वायर लूप है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, और इसके अंदर एक और छोटा लूप है, स्क्वायर है जिसकी लंबाई छोटा एल है, एक दूसरे के अंदर पड़े हुए थे। क्वेश्चन आएगा इस फिगर में ये बताओ कि कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी, मतलब कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर मैं N1 N2 शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के कैपिटल एम निकाल लूंगा, नहीं निकाल पाओगे क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ दो सोलेनोइड्स के लिए वैलिड है, स्क्वायर के लिए थोड़ा वैलिड है। तो कोई बात नहीं, डेरिवेशन कर लेते हैं फिर से। कैसे? मान लो आउटर कॉइल में करंट आई है, मान लो कि मैंने आई करंट पास किया, तो आउटर में आई करंट है तो इसके सेंटर पे बी जनरेट होगा। बी जनरेट करने के लिए बाइट सेवर्ट लॉ याद करो, याद है ये स्ट्रेट वायर है 45 45, तो बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एल बाई 2 sin 45 + sin 45, और ऐसे चार वायर्स हैं, इस रिजल्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपने बड़े लूप के सेंटर पे बी निकाल दिया तो बी आ गया। अब वो बी छोटा लूप के अंदर भी सेम होगा क्योंकि दोनों का सेंटर एग्जैक्टली सेम है, तो छोटे वाला लूप का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। छोटा लूप जो फ्लक्स, क्योंकि इसमें जिसमें करंट गया वो प्राइमरी है, छोटा लूप सेकेंडरी है, तो जो सेकेंडरी का फ्लक्स होगा वो प्राइमरी के बी को यूज करता हुआ अपने एरिया से अब क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो मैं फ्लक्स छोटे का निकाल रहा हूं, इसका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा बी की वैल्यू जो बड़ी प्रोड्यूस कर रही है इनटू इसका एरिया, इसका खुद का एरिया कितना है, स्मॉल एल स्क्वायर। तो बी आपने पुट किया, टोटल फ्लक्स आ गया, लेकिन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम आई, इन्हें इक्वेट करके आई और आई कैंसिल करके कैपिटल एम की वैल्यू आंसर आ गया। तो कैसे कैपिटल एम निकला समझ में आ रहा है, अगर दो सॉल्वेंट ना गिवन हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये नहीं है, ये तो आप घर जाके पढ़ ही लोगे, जब नया क्वेश्चन आएगा आपको ये नहीं समझ में आएगा मैं करंट छोटे में पास करूं या बड़े में पास करूं, चाहे छोटे में करूं चाहे बड़े में करूं, आंसर हमेशा सेम आता है, याद रखना। कैपिटल एम तो दोनों का सांझा है ना, हम दोनों का सेम है, तो कैपिटल एम चेंज नहीं होता, तुम चाहे बड़े में पास करो चाहे छोटे में करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप याद रखना आपने बाहर वाले में ही पास करना है, छोटे में मत पास करना। आपको वो क्यों, जब आपने खुद का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप करंट इसमें पास करते हो तो बी जनरेट होता है, और फ्लक्स के अंदर बी इंटू एरिया छोटे का यूज होता है, आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि हमने एरिया क्या लेना होता है, छोटे का। तो बी करंट अगर हम बड़े में पास करेंगे और फ्लक्स छोटे का निकालेंगे तो एरिया छोटे का ही अपने आप यूज होगा, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर आपने छोटे में करंट पास किया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब बड़े का फ्लक्स निकाल नहीं पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड है, आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है कि आप छोटे में करंट पास करके कैपिटल एम की वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत आएगी, आप मत पास करना, आप हमेशा बाहर के लूप में ही करंट पास करना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हालांकि मेथड दोनों सही है लेकिन हम फॉलो करते हैं इजी करने के लिए, बाहर वाले लूप में करंट हम पास करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मेरा जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये क्वेश्चन था कि एक सॉलिनॉइड है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एक बड़ा एक छोटा, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को सब कुछ गिवन है, N1 N2 L1 L2 सब गिवन है, एरिया भी गिवन है, लेकिन मेरे को एनसीईआरटी किताब में ये मेंशन कर दिया गया कि तुमने करंट छोटे में पास करना है। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, मैंने आपको सिखाया छोटे में मत पास करना, बड़े में पास करना, क्यों बड़े में पास करना,
क्योंकि बड़े में करंट पास होगा तो फ्लक्स छोटे का निकलेगा और फ्लक्स के अंदर एरिया छोटे का ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। तो आप अगर छोटे में करंट पास कर रहे हैं और बड़े का फ्लक्स निकाल रहे हैं, आपसे निकलेगा नहीं, गारंटेड है। तो इसलिए अगर मेरे को इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि तुम करंट छोटे में पास करो, बड़े में ना पास करो, एनसीईआरटी की बुक कह रही है छोटे में पास करो, और सपोज मेरा नया, चलो क्वेश्चन जो निकालना है बाद में निकालेंगे, मेरा क्वेश्चन है कैपिटल एम निकालो, दोनों का कैपिटल एम निकालो, अब ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई, क्योंकि छोटे में करंट पास करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन एरिया नहीं आएगा उसमें कैसे फ्लक्स निकलेगा, मुश्किल होगी। तो एनसीईआरटी की किताब ये लिखती है कि एज द शॉर्टर सोलेनोइड प्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लिकेटेड मैग्नेटिक फील्ड, वो कह रहे हैं जो छोटा कॉयल है वो नंबर ऑफ लाइन जो बाहर निकालेगा वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बड़े के लिए। तो इसीलिए आप छोटे में करंट ना पास करें, क्योंकि अगर आपको कैपिटल एम निकालना है तो आपको कोई फर्क ना पड़ता करंट आपने छोटे में पास किया या बड़े में किया। तो चाहे उसने किताब में बोला कि आप करंट छोटे में पास करो, आप क्वेश्चन को ऐसे बोलोगे मैं नहीं मानता छोटे में पास करना, मैं इमेजिन करता हूं मैंने किस में पास कर दिया, बड़े में ही कर दिया। तो आप अपनी कैलकुलेशन बड़े के साथ ही करना। समझ में आ रहा है यहां तक? ये लिखा हुआ है, सो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्शन एंड फ्लक्स थ्रू दी आउटर सोलेनोइड। अगर मैं छोटे में करंट पास करता हूं तो बड़े का फ्लक्स निकालना मुश्किल है। फॉर दिस पर्पस वी मेक प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कि कैपिटल एम को फर्क नहीं पड़ता तुमने करंट छोटे में पास किया या बड़े में किया। तो अगर वो कहता भी है छोटे में पास करो, तुमको छोड़ मैं बड़े में करूंगा, तो तुम अपना क्वेश्चन बड़े के साथ कर लेना, ऐसा रूल है, राइट? तो आपका आंसर सही निकलेगा। लेकिन चलो इसके अंदर कुछ करना नहीं है, दो सोलेनोइड्स का कैपिटल एम हमें निकालना आता है, ये बहुत लंबा सोल्यूशन किया इसने। हमने आज लेक्चर के स्टार्टिंग में इसकी डेरिवेशन की थी कैपिटल एम की, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन वन एन टू इन टू छोटे का एरिया बाय एल, सीधा लगाओ ना, क्या करनी डेरिवेशन करके। अब तुम्हें तो फॉर्मूला याद है दोस्त, अब करंट छोटे में जाए चाहे बड़े में जाए, तुमने अपने सोलेनोइड का रिजल्ट तो याद ही किया हुआ है, तो सीधा फॉर्मूला लिख दो, आंसर आ गया। तो कैपिटल एम आ गया, पर हमसे कैपिटल एम नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा? फ्लक्स पूछा, और किसका? बड़े का। अब बड़े का फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? छोटे के करंट पे, करंट तो छोटे में गया था, तो फ्लक्स क्या होगा? एम इंटू आई, एम आपने निकाल लिया, आई तीन एम्पियर से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स आ गया। ये ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें, तो कैसे सोचना समझ में आ रहा है? आइडिया समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रूल नंबर वन, वो बोलेगा भी करंट छोटे में, आप ले लेना बड़े में, और आपको इतने टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दो सोलेनोइड्स का क्वेश्चन आएगा, हर किताब डेरिवेशन कर करके दिखाती है, मुझे समझ में नहीं आती क्यों दिखाती है। सोलेनोइड्स का रिजल्ट तो वैसे हमने याद कर लिया, म्यू नॉट एन वन एन टू बाई छोटा एरिया बाई लेंथ, हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, काम ही खत्म हो गया। और अगर लेंथ भी छोटी बड़ी है तो याद रख लेना, लेंथ छोटी बड़ी है तो फिर लेंथ के अंदर क्या यूज करना है? इसके अंदर L1 80 और L2 4 सेंटीमीटर है, ध्यान से। तो इसके अंदर जो L यूज करना है वो L1 80 यूज किया, बढ़ेगा। आपको कि ये क्या चक्कर है, एरिया छोटे का लेंथ बढ़ेगी? लेंथ पता है किसकी यूज करनी है? लेंथ कैसे लेते हैं? जिसमें करंट हमने एज्यूम किया, हमने करंट बड़े में एज्यूम किया था, तो B इज म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ बड़ा, तो लेंथ बड़े की होती है, एरिया छोटे का होता है, ये शॉर्टकट है। तो याद रखना, अगर दो छोटे, अच्छा सिंपल, पूरे 15 मिनट का एक लाइन में आंसर बता रहा हूँ, कैपिटल एम का याद किया हुआ फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, एरिया छोटा यूज करना, लेंथ बड़ी यूज करना, बात ही खत्म यार, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्लोज, जो मर्जी बोली जाए आंसर आ गया। कैपिटल एम निकालना है ना, तो कैपिटल एम निकालना है, प्रॉब्लम क्या है? करंट तो बड़े में पास करोगे तो लेंथ बड़ी की, और एरिया छोटे का यूज करोगे तो एरिया छोटे का, आंसर आ गया। ये सबसे बढ़िया शॉर्टकट है, बात ही खत्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?